माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएस वर्ड के अंतर्गत टेबल कितने तरीके से बनाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए कि एमएस वर्ड में कितने तरीके से टेबल बनाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल कहाँ पर पाया जाता है, किस टाइप में एमएस वर्ड में टेबल पाया जाता है। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हम लोग जाएंगे। इंसर्ट टैब पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस टैब इंसर्ट टैब पर क्लिक करने पर टेबल, सबसे पहले इसमें कितने ग्रुप पाए जा रहे हैं, पेपर, टेबल, इलस्ट्रेशन, एडिंग, मीडिया, लिंक, कमेंट, हीडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, ये ग्रुप पाए जा रहे हैं। तो हमको टेबल बनाना है तो किस ग्रुप में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे। कौन सा ग्रुप है, टेबल्स। टेबल्स में क्या है, केवल यहाँ पर एक ही टूल दिया हुआ है टेबल, इसके अंतर्गत जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लिक किया, इसका एक लिस्ट ओपन हो गया जिसमें इंसर्ट टेबल, फिर दोबारा इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जो हाईलाइट नहीं है, एक्सेल शीट, क्विक टेबल, ये सारे ऑप्शन आप लोग को दिखाई देंगे। जिसमें यदि हम पहला ऑप्शन यूज करें इंसर्ट टेबल, जिसमें टेबल को रो को सेलेक्ट करके रो और कॉलम, ये हो गया रो और कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इसमें कितने कॉलम है, मैंने सेलेक्ट किया है 5 कॉलम और 4 रो। यहाँ पर जब हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो जितना सेलेक्ट करेंगे उतना बड़ा टेबल हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब टेबल यहाँ पर ये बन गया। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होगी डिजाइन और लेआउट, इसके दो टैब और खुल जाएंगे, डिजाइन और लेआउट, जिसके अनुसार हम लोग डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं और इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इंसर्ट में फिर जाएंगे, टेबल ग्रुप में टेबल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पर जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है। इस पर जब जाएंगे तो ये इसका एक विंडो ओपन होगा, इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें लिखा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में सबसे पहले है टेबल साइज, टेबल की साइज कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, नंबर ऑफ रो इसको भी हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम विथ, फिक्स्ड कॉलम विथ यानी कॉलम की चौड़ाई को अगर हम फिक्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, या अपने अनुसार कोई कॉलम देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इसकी साइज को दे सकते हैं, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट, इस पर जब क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट क्लिक करेंगे तो जितना टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, जितना टेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे उतना बड़ा कॉलम यानी कॉलम की चौड़ाई उतनी हो जाएगी। ऑटो फिट टू विंडो यानी जितना बड़ा विंडो हमारा है, विंडो स्क्रीन यानी जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा हमारा विंडो पर टेबल ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फिक्स कॉलम विड्थ, इसके बाद यहाँ पर टेबल की कॉलम की संख्या को निर्धारित करते हैं और फिर यहाँ पर रो की संख्या को निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 7 कॉलम और 6 रो किया है, सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अब यहाँ से जैसे ओपन करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, 6 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 6 रो और 7 कॉलम का टेबल हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर यानी पेज पर बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरे तरीके से हमने टेबल बनाया। ठीक है, फिर अलग दूसरे तरीके से हमको टेबल बनाना है, अलग और दूसरा तीसरा चौथा जो भी टेबल का तरीका है उसके द्वारा हम बनाना चाहते हैं, तो फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में जाकर टेबल पर क्लिक करेंगे, ड्रा टेबल, इसमें कौन सा ऑप्शन अब है, ड्रा टेबल के द्वारा हम लोग टेबल बनाएंगे। ड्रा टेबल पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंसिल ओपन होगी, यहाँ पर क्या ओपन होगा, पेंसिल। अब देखिए पेंसिल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक सेल को बनाकर हम उसको कॉलम में और रो में बदल सकते हैं। देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग
कोई अगर यहाँ से नीचे का सेल बनाना चाह रहे हैं, नीचे का रो, तो हम बना सकते हैं। अगर इसमें और संख्या जोड़ना चाह रहे हैं तो हम जोड़ सकते हैं। यदि कुछ गलत हो जाए तो हम इसको डिजाइन में जाएंगे और हम इसको सॉरी लेआउट में हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जाकर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सेल को और रो को, हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग इरेज कर दिए, जैसे ये वाला इरेज नहीं हुआ तो हम तो यहाँ से इरेजर पर जाएंगे और यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ पर ड्रा के द्वारा पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, एक रो का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक रो बन गई, इसके बाद हम इस पर क्लिक कर देते हैं दोबारा। अब यहाँ पर कर्सर क्लिक करके और टैब का प्रयोग करेंगे। जब टैब का प्रयोग करेंगे तो नीचे का और भी रो अपने आप बन जाएगा। यह है पेंसिल और इरेजर के द्वारा टेबल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पर जाएंगे। अगला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी टैब का यूज करेंगे, यहाँ पर स्पेस का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर टैब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टैब का यूज, ओनली टैब का यूज करेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करते ही यहाँ पर 7 कॉलम और रो की संख्या क्या है, 1 है, यहाँ पर ओके हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कर्सर एंटर करेंगे, कर्सर क्लिक करेंगे, इसके बाद टाइप का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग रो की संख्या बढ़ाते जाएंगे। रो की संख्या यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के लिए सबसे पहले हमको टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, वो भी टेक्स्ट इसके द्वारा स्पेस होगा, टाइप के द्वारा हम लोग स्पेस बटन का यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, टेक्स्ट का, टाइप का सॉरी। इसके बाद अगला है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट जो लोग एक्सेल पढ़े होंगे वही लोग कर पाएंगे, अन्यथा अभी तो आप लोग अगर एमएस वर्ड पढ़े हैं, एक्सेल नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग अगर कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर इसके बाद इसको हम लोग बॉर्डर वगैरह अगर सेट कर दे रहे हैं या कलर हम इसमें डाल दे रहे हैं या कुछ भी कर दे रहे हैं, इसके बाद बाहर क्लिक करते हैं तो हमारा टेबल यहाँ पर बन जाता है। देखिए यह एक्सेल शीट का टेबल है, इस पर क्लिक करते करने पर, डबल क्लिक करने पर एक्सेल ओपन हो जाता है। अगर आप एक्सेल नहीं जानते हैं तो आप इसको मत करिएगा, एक्सेल पढ़ने के बाद ही इसको करिएगा। ठीक है, तो ये तरीका है एक्सेल के द्वारा हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, क्विक टेबल। क्विक टेबल में बने बनाए टेबल यहाँ पर, जैसे कैलेंडर के लिए या कुछ ऐसे टेबल हम लोग को बने बनाए होंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने अनुसार इसमें एक कॉलम वगैरह जो भी जोड़ना होगा हम इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हम दोबारा इसको देखते हैं क्या है इसमें क्विक टेबल में। जैसे कैलेंडर बना हुआ है, मई का कैलेंडर बना हुआ है, इसमें बने बनाए कैलेंडर आपको पाए जाएंगे, कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको शॉर्टकट से बता रहा हूँ जो कहीं पर बुक में नहीं दिया है, आप लोग उसका यूज करिए। जैसे हम लोग प्लस माइनस माइनस 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 प्लस और इसके बाद कीबोर्ड पर एंटर का प्रयोग करेंगे तो एक नया रो बन जाएगा। इसके बाद टैब यहाँ पर कर्सर क्लिक करके टैब का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर टैब का प्रयोग करेंगे तो रो की संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो है टेबल बनाने के तरीके हैं जो इंसर्ट टैब में पाए जाते हैं, टेबल्स के ग्रुप में। इसमें इंसर्ट टेबल जो यहाँ से सेलेक्ट के द्वारा हो जाएगा, दूसरा इंसर्ट टेबल जिसमें हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तब ओपन होगा। इसके बाद
ड्रा टेबल पेंसिल के द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, पेंसिल के द्वारा, और अगर कुछ गलत हो गया तो इरेजर के द्वारा हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद टेबल बनाने के लिए तीसरा तरीका और है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो जिसके लिए सबसे पहले हमको टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा और टाइप का यूज करके और फिर पूरे को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करने पड़ेगा। इसके बाद एक्सेल शीट के द्वारा हम लोग बनाए हैं टेबल, और ये कुछ टेबल जो हैं दो तीन टेबल जो यहाँ दो टेबल हैं जो क्या हैं बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बनाए गए हैं। इसके बाद हमने प्लस और माइनस का प्रयोग करके टेबल बनाया है, प्लस और माइनस का प्रयोग करके, प्लस और माइनस का प्रयोग करके आप टेबल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।